आज हमारे चैनल पर सामाजिक परिवर्तन के जनक और बिरहा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर्वप्रथम सर, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। नमस्कार सर। सादर जय भीम। सर, आज मेरा क्वेश्चन आज आपसे ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दुर्गा माता या काली जी का या गणेश जी का चित्र या फोटो दिखाई नहीं देता है सर, हालांकि वो भी एक न्याय का मंदिर है, तो उसमें भी हर मंदिर में तो फोटो और चित्र या मूर्तियां दिखाई देती है सर, मगर उसमें नहीं मूर्ति या चित्र दिखाई देता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो कहना चाहेंगे सादर जय भीम, नमो बुद्धाय और पूरे भारत के लोगों को साधुवाद। जी सर, जय भीम। ये जो है सवाल बड़ा टोक के लाते हो बाबू जी। दरअसल वो मंदिर जो है, वो मंदिर बाबा साहब अंबेडकर का मंदिर है जी, और जहां बाबा साहब अंबेडकर का मंदिर हो जी, वहां से देवी देवता 100 कोस दूर रहते हैं। क्यों सर ऐसा होता है? इसलिए कि बाबा साहब से देवी देवता डरते बहुत हैं। अच्छा। समस्या ये है जी, वहां कोर्ट में बाबा साहब की फोटो लगती है ना जी, तो बाबा साहब की फोटो जहां है वहां देवी देवता रह ही नहीं सकते, क्योंकि देवी देवता संवैधानिक नहीं है जी, वो काल्पनिक है सर। मगर वो लोग पूरा ब्रह्मांड की रचना किए रहते हैं, तो क्यों फोटो नहीं होना? ब्रह्मांड की रचना वो किए नहीं है, बताया गया है कि ये ही ब्रह्मांड की रचना किए हैं, वो कुछ नहीं किए हैं, उनको खुद यहाँ का इंसान बनाया है, आदमी देवी देवताओं को खुद पैदा किया है। अब ये बताइए कि मूर्ति बनाने वाला जी, देवी की मूर्ति, भगवान की मूर्ति, ब्रह्मा की मूर्ति, कन्हैया की मूर्ति, सबकी मूर्ति को इंसान बनाता है जी, और इंसान पैसे से खरीद के ले जाता है जी, जो पैसे से खरीद के ले जाता है वो जो है घर में लगा के अगरबत्ती धरा के पूजा करता है कि हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, हे दुर्गा माई, हमार कल्याण करा, हमके रुपया दा, हमरे लड़का के नौकरी दा। तो जो मूर्ति बनाता है जी, वो जानता है कि इसके अंदर कोई ताकत नहीं है, नहीं तो वह मूर्तियां बना के अपने घर में पूज के नईकन के नौकरी रुपया पैसा नहीं मांग लेता जी। इसीलिए अन्य देशों के लोग जी, भारत के लोगों को और भारत के खास तौर से पिछड़े समाज के लोगों को जी, मूर्ख कहते हैं। जहां इनकी बड़ी आबादी है, 85% की आबादी है जी, इनको थोड़ा भी तर्क की क्षमता नहीं है, क्षमता है तो हिम्मत नहीं है, क्योंकि उस पत्थर की मूर्तियों से डरते बड़े करा रहे हैं जी, कहीं हमारे साथ अनिष्ट ना हो जाए, कहीं हमारे साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। यहां गड़बड़ भी होता है, अनिष्ट भी होता है, वहां ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आस्था, इसी चीज को हम बार बार कहते हैं कि भारत को आस्थावान क्यों बनाया गया जी, कि भारत के लोग अगर आस्था में फंसे रहेंगे तो कभी आस्थावान आदमी, आस्थावादी आदमी भौतिकवादी नहीं बन सकता जी। यहां ये टोका गया है कि ये सब आस्था में फंसे रहेंगे तो भौतिकवाद को नहीं समझेंगे, क्योंकि जो भौतिकवाद को समझ गया जी, फिर उसका दिमाग खुल गया और वो आस्था को छोड़ करके सीधे भौतिकवाद की तरफ चलेगा और सत्य को समझना शुरू करेगा जी। अध्यात्म का मतलब कि आंख बंद करके जो दिखाई दे रहा वो मानो जी, और भौतिकवाद ये कहता है कि जो आंख से दिखाई दे रहा उसे मानो, लड़ाई इसी दो बात की है। मगर सर फोटो तो होना उनका अनिवार्य रहना चाहिए, श्री रामचंद्र जी का, क्योंकि वो पुरुषों में उत्तम थे। अभी कुछ मुंह से गलत निकल जाएगा, कैसे पुरुषों में उत्तम थे जी? जो आदमी हत्या करता है, शंभुक ऋषि की हत्या किया, बाली की हत्या किया, रावण की हत्या किया, अपनी गर्भवती बीवी को छोड़ दिया, वो कैसे पुरुषों में उत्तम हो सकता है? पुरुषों में उत्तम उस व्यक्ति को वो लोग कहते हैं जिसके लिए लोगों की इन्होंने हत्या किया,
वो कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे लोग मर्यादा मर्यादा वाले नहीं होते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे, जो व्यक्ति मर्यादा उसके नाम के आगे लगती है, जो कभी किसी के ऊपर कोई अंगुली ना उठाया हो जी, मर्यादित व्यक्ति वो होता है। राम पर हजारों लोगों ने सवाल किया है, सबसे बड़ा सवाल तो एक ही, मर्यादा पुरुषोत्तम राम मुंह से पैदा है, यही हमारे समझ में बात नहीं आती है। ये सब कपोल और काल्पनिक कहानी है जी। किसी भी अब वही कहानी में लिखा गया है कि वर्मा जी सुअर का रूप धर के पृथ्वी को लेकर के बड़ा जब वो भाग चला, कोई दैत था जी, वर्मा जी पृथ्वी जांग पर बना रहे थे, तो वो लेके भाग चला, पृथ्वी को चुरा लिया। तो वर्मा जी सुअर का रूप पकड़ के गए, ये ग्रंथ की बात है जी, सुअर का रूप पकड़ के गए हैं और तब पृथ्वी कोई थूथूना पर लेके आयल हुआ जी। लेकिन ग्रंथ ये कहता है, लेकिन सुअर को 5 मिनट पानी में डुबा दो तुरंत मर जाएगी, आदमी बच सकता है, सुअर पानी में डूबकर जिंदा नहीं रहती जी। ये सारी झूठी कहानियां गढ़ के हमारे दिमाग में ठोक दिया गया कि देखो कि ये समाज कब तक इसको मानता रहता है। जो मानता होगा राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा अब तक नहीं दिखाई दिया जी कि जो कहीं कुछ सत्य हो। चलिए सर, ठीक है, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।